हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू एग्जाम आर हाव यू आर डूइंग आई होप ऑल्सो डूइंग ग्रेट आज हम डिस्कस करेंगे विच सब्जेक्ट्स टू चूज to be able to apply for maximum courses in Delhi University B.A B.B.A B.Com बी ए बी कॉम की मेजरली हम बात कर रहे हैं तो please बी ए बी बी ए के लिए apply ज़रूर करना because जब भी हम uh, you know किसी admission नहीं मिलता है किसी का जब dream नहीं हो पाता है mostly तो बच्चे बी ए बी 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 में admission ले लेते हैं तो सी यू ई टी में अगर आप Delhi University के अंदर बी ए बी ए और बी कॉम के लिए तीनों के लिए apply करना चाहते हो और चाहते हो कि mostly courses cover हों तो कौन सा combination सही रहेगा ये करेंगे स्टूडेंट एनी फील्ड स्ट्रीम कैन अप्लाई ये तो हमारे लिए क्लियर है कोई स्ट्रीम कंपल्सरी नहीं है कॉम्बिनेशन क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से तो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है द कैंडिडेट मस्ट है इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन तो ट्वेल्थ जो है वो पास हो जानी चाहिए अगर आपने 2022 के अंदर ही बोर्ड एग्जाम देना है बिल्कुल बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हो उसके बाद द अपीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया द एप्लीकेंट शुड हैव क्लास ट्वेल्थ एग्जामिनेशन और शुड हैव बीन तो हैिंग है तब भी आप कर सकते हो एप्लीकेंट विद गैप विल नॉट बी एट डिसएडवांटेज अगर आपने ड्रॉप ईयर लिया है गैप ईयर है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज ठीक है तो क्या है बेसिकली सी यू के एग्जाम में डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं से भी आपको एग्जाम देना है और सब्जेक्ट कैसे चूज करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप अगर उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटीज है कौन सी यूनिवर्सिटी सी यू का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे और कौन से कौन से कोर्सेज के लिए तो ये एक बमर है कि आपको लगेगा कि अच्छा ये वाली यूनिवर्सिटी सी में है बट आपको ये भी चेक करना है कि कौन सा कोर्स है जिस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो क्या वो एडमिशन सी के थ्रू हो रही है बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कुछ कोर्सेस ही सी यू के अंदर लेकर आई हैं इस बार और बाकी सारों के लिए वो कुछ भी और कर रही हैं ठीक है ना तो ये बहुत जरूरी है चेक करना अब यहाँ पे लिस्ट है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है देखिए मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हर बीए, बीकॉम, बीबीए के अंदर लैंग्वेज का टेस्ट देना एक लैंग्वेज इनमें से कोई भी एनी वन लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी तो पहले बहुत सारे बच्चे और कहीं कहीं जगह पर इंग्लिश कंपलसरी है तो वो हम डिस्कस करेंगे बट मोस्टली ये कि आप एक यू नो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो बहुत बच्चों की एडमिशन में इसलिए फ़र्क पड़ता था वो क्योंकि वो बोलते थे कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अब अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो अगर आपकी कोई और लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप अच्छे हो तो आप वो चूज़ कर सकते हो राइट बट अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो जैसे कि जर्नलिज्म के अंदर इंग्लिश ज़रूरी है उनके कोर्स के अंदर तो और देख लेते हैं इंग्लिश कहाँ कहाँ ज़रूरी है तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब अगर आप कह रहे हो कि हाँ हम इंग्लिश में अच्छे हैं तो मैं कहूँगी कि आप इंग्लिश का लैंग्वेज का ही पेपर जो है वो दें तो आपका जो है वो आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो बाकी अगर आप हिंदी में अच्छे हो तो आप हिंदी दीजिए तो वो ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश में नहीं अच्छे हो तो आप इंग्लिश वाले कोर्स में नहीं जान जाओगे आप बी इन इंग्लिश नहीं अगर आप इंग्लिश में नहीं अच्छे हो ठीक है ना तो इसलिए अब आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं नेक्स्ट इज लिस्ट बी अब इसके अंदर से आप देखेंगे दो लिस्ट बनी हुई है लिस्ट बी वन और बी टू तो नॉर्मली जितने भी एग्जाम कि एनी थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम ठीक है ना एक तो ये कि आप पहला ऑप्शन नंबर वन आपके पास जो जो आप देखेंगे वो ये है कि कोई भी तीन सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज कर लीजिए ठीक है ना ट्राई करिए कि जो आपने बोर्ड एग्जाम्स जिनके दिए हुए हैं आप वही सब्जेक्ट्स को पढ़ें और उनका ही एग्जाम दें बिकॉज ईजी uh, रहता है आपने पढ़ा है एक साल के लिए उनके लिए ट्वेल्थ की एनसीआर आपको पढ़नी रहती है सब्जेक्ट्स के लिए लैंग्वेजेस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वीडियोज़ करी हुई है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लीज वो वीडियोज चेक कर लेना तो ठीक है ना एनी थ्री सब्जेक्ट्स आपको यहाँ से पिक करने ऑप्शन नंबर वन तो ये है ऑप्शन टू जो आपके पास है वो कहते हैं एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम हेयर एनी टू सब्जेक्ट्स यहाँ वाली में से, और आप यहाँ से भी ले सकते हो मतलब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की तो बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी ये मैं डी की बात कर रही हूँ हर यूनिवर्सिटी का हर कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो अपना यूनिवर्सिटी के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना देखिए सबसे पहली जो बी कॉम ऑनर्स की रिक्वायरमेंट है या तो आप दीजिए एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट एक लैंग्वेज का पेपर देना जरूरी है कोई भी, list list कोई भी भी लिस्ट लिस्ट ए में से से हमने देखी थी थी ना कितनी बड़ी उसमें एक लैंग्वेज का पेपर देना ज़रूरी है तो आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छे हैं वो पेपर दीजिए फिर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट हो गए या तो आप मैथ्स देंगे या फिर यहाँ पे अकाउंटेंसी देखिए लैंग्वेज दोनों दो कॉम्बिनेशन में एनी वन कॉम्बिनेशन आप फॉलो कर सकते हैं दोनों में लैंग्वेज तो कॉमन है ठीक है लैंग्वेज का पेपर आपको देना ही पड़ेगा नंबर वन नंबर टू या तो मैथ्स का पेपर देना पड़ेगा या अकाउंट्स का अब देखिए

फ्रॉम इधर लिस्ट बी वन और बी टू ठीक है तो आप या चाहें तो तीनों सब्जेक्ट्स बी वन में से उठा सकते हैं या फिर आप दो सब्जेक्ट्स तो आपको बी टू में से बी वन में से उठाने पड़ेंगे और देन आप थर्ड सब्जेक्ट या तो बी वन में से उठा सकते हैं या बी टू में से उठा सकते हैं और लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही है ठीक है और यहाँ पे ऑप्शन दिया कि एक तो लैंग्वेज का पेपर दे दो दूसरा वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन या बी टू में से चूज कर लो और जनरल टेस्ट तो जनरल टेस्ट जो है वो सीयू टी का ऐसा टेस्ट है जहां पे करंट अफेयर्स मैथ्स और आपका लॉजिकल रीजनिंग ये सारे यू नो इनमें से क्वेश्चन आते हैं जनरल टेस्ट के लिए कैसे कुछ प्रिपेयर कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट अगर आपको राइट right बुक

ठीक है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स बी ए ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई हो गई यहाँ पर ठीक है ना तो इसमें आपको लैंग्वेज का पेपर देना जरूरी है मैथ्स का पेपर देना जरूरी है एनी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज का दे सकते हो और जनरल टेस्ट भी बीबीए वालों के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कंपल्सरी है कि आप जनरल टेस्ट दें अब जनरल टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुके प्लीज प्लीज वीडियो जरूर देखना सेल्फ स्टडी स्टार्ट होगी बिल्कुल वर्क करेगी पक्का आपका एग्जाम क्लियर मतलब आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे ठीक है ना तो बीबी के लिए ये है तो हम कह सकते हैं कि, कि अगर हमें बीकॉम करनी है तो ऑनर्स भी अगर आप करना चाहते हो कि हाँ ठीक है तो अकाउंटेंसी का एग्जाम देना अकाउंट्स या फिर मैथ्स का एग्जाम देना आपको एक सब्जेक्ट जरूरी है लैंग्वेज तो है ही है कम्पल्सरी एक लैंग्वेज तो देना ही जरूरी है अगर इंग्लिश का दे दोगे तो बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी हो जाएगी नहीं तो एनी अदर भी दे सकते हो और तीसरा आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट जरूरी हो गया और एक पेपर जो बी में से एक पेपर आपका हो गया अगर आप बी मतलब बीबीए के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो मैथ्स का हो गया ठीक है ना तो यहाँ पे अगर आप अकाउंट्स दे रहे हो एक पेपर बी वन में से आपका दूसरा पेपर अगर मैथ्स है तो आप बी कॉम ऑनर्स बीकॉम और बीबीए सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो स्टडीजे बीबीए जैसा ही है ठीक है ना उसके अंदर भी आपका लैंग्वेज मैथ्स और जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है बीबीए एफ आई ए अगर आप डेली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो लैंग्वेज मैथ्स जनरल टेस्ट अगर बी ए प्रोग्राम नॉर्मल करना चाहते हो किसी भी एक सब्जेक्ट में पर्टिकुलर में नहीं जाना चाहते तो कॉम्बिनेशन ए जो है जैसा हमारा नॉर्मल बी कॉम वाला एक

उसके बाद अगर बी ए में बी ए इन इंग्लिश करनी है तो इंग्लिश देना लैंग्वेज लिस्ट ए का जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो आप इंग्लिश दोगे टू सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन वन सब्जेक्ट फॉर बी वन और बी टू वो सेम ही है आपका फिर उसके बाद अगर बी ए साइकोलॉजी करनी है एनी वन लैंग्वेज ठीक है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन बी टू ठीक है ये सेम ही है जैसा सबका था उसके बाद बी इन जर्नलिज्म करनी है तो आपका यहाँ पर देखिए इंग्लिश में करना पड़ेगा अगेन यहाँ पे इंग्लिश जो आपका हो गया वो इंपॉर्टेंट है जैसे बी ए इन इंग्लिश का हो गया ठीक है ना एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन और बी टू फिर इंग्लिश इंपॉर्टेंट है और जनरल टेस्ट अगर इंग्लिश और जनरल टेस्ट है तो तब भी आपका कॉम्बिनेशन बन जाता है बी ए के लिए उसके बाद बी एनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल में अगर करनी है थानी थानी तो वही एनी वन सब्जेक्ट सब्जेक्टेस ठीक है एनी थ्री सब्जेक्ट फ्राम टू फ्रॉम बी वन तो वही बी वन से दो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं बी टू से एक कर सकते हो नहीं तो तीसरा भी बी वन से कर सकते हो उसके बाद बी ए इन जोग्राफी के अंदर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए एनी टू सब्जेक्ट्स वो सेम ही है सारा आपका फिर उसके बाद हिस्ट्री में करना है तब भी आपका सेम ही है बी ए इन हिस्ट्री का फिर उसके बाद सोशल वर्क में करना है तब भी आपका सब कुछ सेम है फिर उसके बाद बी ए इन इकोमॉमिक्स करना है तो यहाँ पे मैथ्स इंपॉर्टेंट हो गया लैंग्वेज देना ही है मैथ्स इंपॉर्टेंट हो गया टू सब्जेक्ट आउट ऑफ वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी वन ठीक है ना बी वन में से सब्जेक्ट तो एक तो पिक करना ही पड़ेगा मतलब नॉर्मली दो सब्जेक्ट्स पिक करो तब आपकी स्टोरी बन रही है उसके बाद बी ए ऑनर्स मल्टी मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन तो मास मीडिया मास कम्युनिकेशन का पेपर देना जरूरी है और जनरल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसके बाद अगर आप फाइव ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म करना चाहते हो तो फिर इंग्लिश देना जरूरी है या हिंदी इंग्लिश 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 हिंदी में से एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट यहाँ पे कंपल्सरी कर दिया इन्होंने उसके बाद अगर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जाना चाहते हो तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए आपके ट्वेल्थ के अंदर फिर उसके बाद एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्टे एनी टू लैंग्वेज सब्जेक्ट्स फ्रॉम बी वन एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम बी वन बी टू तो यहाँ पे एक ये है बाकी सारा सेम ही रहता है आपका अब तो कौन से सब्जेक्ट्स चूज करें देखिए अगर लैंग्वेज में आप इंग्लिश चूज करते हो तो जर्नलिज्म वाला पार्ट कहीं ना कहीं सॉर्टेड होता है आपके लिए ठीक है ना उसके बाद थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी वन बी वन के जो सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट बी वन में अगर आप मैथ्स ले लेते हो तो आप बी और बी ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो ठीक है ना और अगर आप मैथ्स नहीं ले रहे हो बी कॉम ऑनर्स के लिए आप अकाउंटेंसी लेकर भी एलिजिबल हो जाते हो अकाउंट्स का सब्जेक्ट लेकर भी एलिजिबल हो जाते हो ठीक है मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो तो मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आप लोगे ठीक है तो लैंग्वेज में प्रेफरेबली इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए ठीक है ना उसके बाद आपका अगला आ जाएगा मतलब हिंदी लीजिए अगर जर्नलिज्म में जाना नहीं तो कोई भी एनी एनी अदर लैंग्वेज तो देनी ही देनी पड़ेगी कोई ऑप्शन नहीं आपको उसके बाद टू सब्जेक्ट्स या फिर तो आप सारे तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स बी वन में से लीजिए या फिर टू सब्जेक्ट्स बी वन में से और वन फ्रॉम लिस्ट बी टू प्रेफरेबली वही सब्जेक्ट्स लीजिए जो आप अपने बोर्ड्स में जिनको आप जिनका पेपर आप बोर्ड्स में दे रहे हैं क्योंकि उनको आप और पढ़ कर देखिए एक तो आपको बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ना सब्जेक्ट और एक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको और अच्छा बनाना तो प्रेफरेबली वही सब्जेक्ट्स लीजिए बहुत बेनिफिट रहेगा जनरल टेस्ट के अंदर अगेन जनरल टेस्ट अगर आप दे देते हो तो बहुत एग्ज़ाम्स में आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल बी ए बी ए के अंदर जर्नलिज्म के अंदर ठीक है ना और अगर आप मैथ्स लेते हो तो आपके इकोनॉमिक्स अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है बी एन इकोनॉमिक्स करना है तो वहाँ पे भी मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है तो ठीक है ना मेरे अकॉर्डिंग आप इंग्लिश का पेपर जरूर दीजिए और या फिर एक लैंग्वेज का देना ही देना पड़ेगा आपको थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम बी ले लीजिए या फिर टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम बी या फिर फ्रॉम बी एक सब्जेक्ट फ्राम बी ले सकते हैं आप और सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मैथ्स क्रॉस आउट है तो क्रॉस आउट है नहीं दीजिए कोई बात नहीं आप बी कॉम ही कर सकते हैं नॉर्मल बी कॉम बट मैथ्स अगर नहीं देंगे तो बी बी ए क्रॉसआउट हो जाएगा फिर आपको बी ए के सारे ऑप्शन खुले रखने पड़ेंगे अपने लिए तो जर्नलिज्म का ऑप्शन खुला रखें और जनरल टेस्ट ज़रूर दें बी बी ए और जर्नलिज्म के अंदर जो आपका जनरल टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है और भी अगर आप बी एच यू के लिए बी ए में अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल टेस्ट उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ है मेरे ख्याल से वो चेक कर लीजिए तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा और अगर इसके लिए आप स्लॉट वन चूज़ करते हो तो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा और एक्स्ट्रा एग्जाम्स भी दीजिए मतलब और भी एग्जाम्स दे सकते हैं आप मेरे ख्याल से नाइन सब्जेक्ट्स के नाइन एग्जाम्स दे सकते हैं तो यहाँ पे वन फोर फाइव फाइव ही बने तो फोर आप और भी दीजिए जो आपको लगता है सब्जेक्ट्स जिसमें आप अच्छे हैं तो सारे के सारे बोर्ड्स वाले सब्जेक्ट्स उठाइए और उनके एग्जाम दे दीजिए सी में बट प्रेफरेंस अपनी कर लीजिए कि ये दो तीन सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं इनमें मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स ले जाने बिकॉज इन सबके मार्क्स जुड़कर ही आपकी जो परसेंटेज है जो मार्क्स है वो निकाले जाएंगे और वही बेसिस बनेगा आपके एडमिशन का सो गाइज दैट सेट फॉर टूडे वीडियो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पर हिट कर देना एंड